हेलो एवरीबॉडी, 29th ऑफ अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 48 आ गई है बेटा, क्लास 6 to 8 की। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को गिवन मतलब दिए गए पैसेज मतलब पैराग्राफ रीड मतलब पढ़िए और आंसर कीजिए द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। अदिति थी ऑन हर वे अपने रास्ते पर बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप जो यमुना गई थी उस स्कूल ट्रिप से, स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी यमुना, वहाँ से वो वापस आ रही थी। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद था द माइथोलॉजिकल स्टोरीज, उन सभी कहानियों के बारे में हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर, उनकी दादी उनको बताती थी अबाउट द रिवर यमुना, यमुना नदी के बारे में। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना, उसकी ग्रैंड मदर डिस्क्राइब करती थी, बताती थी यमुना को एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्य, कि यमुना जो थी वो सूर्य देव की, सूरज जो देव हैं सूर्य देव, उनका फेवरेट बच्ची थी, उनकी फेवरेट बच्ची थी। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गई थी टू सी, देख कर हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे, कि कितनी पॉल्यूटेड, कितनी गंदी दिख रही थी, पॉल्यूटेड दिख रही थी यमुना उस दिन। दे हैड स्पेंट द एंटायर डे, उन्होंने पूरा दिन गुजारा था ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इन टू दिस रिवर। दे हैड स्पेंट द एंटायर डे, पूरा दिन उन्होंने, एंटायर था पूरा दिन, ट्राइंग टू क्लीन, कोशिश करने में, क्लीन द वेस्ट, उस गंदगी को साफ करने में, डम्प्ड इन टू दिस रिवर, जो इस नदी में फेंकी गई थी। शी वॉज सैड, वो बहुत उदास थी, बट फुल ऑफ होप, लेकिन उम्मीद, होप मतलब उम्मीद, आशा, आशा से भरी हुई थी दैट दे ऑल टुगेदर, कि वो सब मिलकर विल मेक अ डिफरेंस, कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, कुछ ना कुछ फ़र्क उनके प्रयासों से पड़ेगा, डिफरेंस होता है अंतर या फ़र्क। विद दैट, इसी के साथ थॉट, इसी सोच के साथ, शी स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया टू स्केच अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाना, टू जनरेट अवेयरनेस, एक जागरूकता जनरेट करने के लिए, जागरूकता जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए, ऑन हाउ टू सेव यमुना, कि यमुना को कैसे बचाया जाए। बेटा ये इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट हम जितनी भी कर रहे हैं, इंग्लिश की वर्कशीट पिछली में भी हम लोग यमुना के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो ये तीसरी या चौथी वर्कशीट है जिसमें लगातार इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की वर्कशीट में हम यमुना के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, वेयर क्वेश्चन के आंसर देते हैं। वेयर डिड अदिति विजिट, एक छोटी सी बात बच्चों, जब भी क्वेश्चन में डिड आता है तो जो भी वर्ब होती है ना, उस वर्ब में आप सेकेंड, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब आप आंसर लिखेंगे तो डिड वाले क्वेश्चन के आंसर में जो ये वाली वर्ब होगी, इस वर्ब के साथ ईडी लग जाएगा या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे कि अब हम लिखेंगे, देखिए, वेयर डिड अदिति विजिट, विजिट कहाँ गई थी अदिति विजिट करने बच्चों, ट्रिप टू यमुना, स्कूल ट्रिप कहाँ गई थी उनकी, यमुना। तो हम लिखेंगे अदिति विजिटेड यमुना रिवर, अदिति विजिटेड यमुना रिवर। व्हाई वॉज अदिति शॉक्ड, पहले का आंसर हो गया बेटा, दूसरा आंसर लिखते हैं, व्हाई वॉज अदिति शॉक्ड, अदिति क्यों शॉक्ड थी, देखो कहाँ ढूंढना है, अदिति और शॉक्ड जहाँ लिखा है, देखिए अदिति और शॉक्ड को ढूंढना है हमने, दो शब्द हमें मिले हैं यहाँ पर, देखिए शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे। ठीक है बच्चे, ये लिखेंगे आप, ये ऐसे कैसा आंसर लिख देंगे, वाई वॉज शी शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे, सेम टू सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड अदिति's ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट रिवर यमुना, अदिति की ग्रैंड मदर ने उसको क्या बताया था। ठीक है, तो अब हम ढूंढते हैं अदिति और ग्रैंड मदर, यहाँ पर अदिति और ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना, हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्य, ये लाइनें आप लिख देंगे। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, हर ग्रैंड मदर, यहाँ से भी लिख सकते हैं, शी रिमेम्बर्ड द माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना, क्या था उन स्टोरी में जो बताती थी उसकी मदर, ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य, ये उसकी नानी या दादी उसको बताती थी। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका आंसर नंबर 3।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर टू सेव यमुना। हमें एक पोस्टर बनाना है यमुना के बारे में, वो पोस्टर हम व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ कैन दीज चिल्ड्रन। चलो अब बाद में करेंगे, पहले सेव यमुना पर हम लोग पोस्टर बनाते हैं, अगला क्वेश्चन बाद में करेंगे। चलो बच्चे बनाते हैं एक पोस्टर। सेव यमुना, ठीक है बच्चे, आप ऐसे लिखेंगे बड़ा बड़ा। फिर हम यहाँ बनाएंगे नदी, यहाँ पर बना देते हैं बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कचरा बना देंगे यहाँ। फिर हम यहाँ बनाएंगे ये, यहाँ पर एक छोटी सी जगह में बनाएंगे ऐसे सुंदर नदी, और इस नदी में हम लगाएंगे पेड़ पौधे, ठीक है बच्चे। एक गंदी नदी बनाएंगे, एक अच्छी नदी बनाएंगे, ठीक है। फूल लगे हैं, ये हमने दो नदियां बनाई, एक तरफ गंदी नदी बनाई, एक तरफ अच्छी नदी बनाई, और उस पर हम लिखेंगे विच यमुना यू लाइक, विच यमुना यू लाइक, आप कौन सी यमुना को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये वाला यहाँ पर लगाएंगे ये निशान सही, और यहाँ पर लगाएंगे गलत, ठीक है बच्चे। इस तरह आप पोस्टर बना सकते हैं, और भी पोस्टर बनाने के तरीके हो सकते हैं। सेव यमुना, यमुना गिव्स, चलिए यहाँ लिखेंगे हम सेव यमुना। सेव दिल्ली, इस तरह भी आप पोस्टर बना सकते हैं। अगर आप दिल्ली को बचाना चाहते हैं तो आपको नदी को बचाना होगा, ये वैली भी लिख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इस पिक्चर को देखिए। देखिए कुछ बच्चे हैं जो कूड़ा उठा रहे हैं और गंदगी में ही खेल रहे हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, केयरफुली पिक्चर को देखिए, एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी, आप इन बच्चों को खुश कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। चलिए आप कैसे कर सकते हैं इन बच्चों को खुश, हम लोग दो तीन तरीके से इन बच्चों को खुश कर सकते हैं। पहला, वी कैन टीच देम, वी कैन सेंड देम टू स्कूल टू लर्न, सेंड देम टू स्कूल। एक तो हम इनको बच्चा स्कूल भेज सकते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और वहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखें। पहला आंसर ये हो सकता है कि हम इन बच्चों को स्कूल भेजें। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं वी कैन सेंड दीज kids food clothes books, हम इन बच्चों को किताबें कपड़े और खाना भेज सकते हैं, किताबें कपड़े और खाना भेज सकते हैं ताकि ये बच्चे खूब खाएं और अच्छे कपड़े पहनें और साफ़ सुथरी ज़िंदगी जिएं, ठीक है बच्चे। तो आप दोनों सजेशंस लिख सकते हैं, और भी कोई सजेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट टू थिंग्स यू थिंक अबाउट आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल इट। देखिए क्या क्या चीज़ों से हम लोगों का यमुना पॉल्यूट हो रही है, पॉल्यूटेंट क्या है। देखिए पॉल्यूटेंट है सीवेज,
जो गंदा नाले का पानी है और गंदा पानी है वो क्या हो रहा है उसमें भेजा जा रहा है, किस में? यमुना नदी में, सीवेज का पानी। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। सॉल्यूशन क्या होगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। ठीक है बच्चा, ये हो गया पॉल्यूटेंट और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए दूसरा लिखते हैं। अगर दूसरा पॉल्यूटेंट है, दूसरा पॉल्यूटेंट है फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्रियों से और इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है उसको क्या किया जाए? उसको रोका जाए। फैक्ट्री वेस्ट है पॉल्यूटेंट और सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? स्टॉप थ्रोइंग दिस वेस्ट इन द रिवर। इस वेस्ट को रिवर में फेंकने से रोका जाए, ये हो सकता है बच्चे। ठीक है, चलिए आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तो बाय बच्चों।